Hello everyone, once again you all are welcome in the e-class of Sanskrit. Students, today we are going to learn and understand our third sandhi, that is visarga sandhi. Visarga sandhi ko samajhne se pehle aapko bata dun ki ye jo nishan hai ise visarga kaha jata hai aur visarga sandhi ke liye ek aur important nishan ya term jise hum kahe wo hai avakra. जो कि एस आकृति का एक निशान होता है जिसे अ के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो आइए समझें विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के यूं तो बहुत सारे रूप्स हैं, पर हमारे कोर्स में जिनका ज्यादातर इस्तेमाल किया गया है, आज के वीडियो में हम उन्हीं सभी नियमों को देखेंगे। हमारा पहला नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो तो विसर्ग ओ मात्रा में और आ अवग्रह में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए काका अयम, यहाँ पे विसर्ग के पहले क अर्थात अ, एज आई टोल्ड यू कि अगर हमारा कोई भी अक्षर बिना मात्रा के होता है तो हम उसे अ कंसीडर करते हैं। तो विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद भी आ है, तो दिस विसर्ग चेंज इनटू ओ मात्रा एंड अ चेंज इनटू अवग्रह, तो हमारा नया शब्द बना काकोयु। खादितः प्लस अस्मि, विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के बाद भी आ है, विसर्ग चेंज इनटू ओ मात्रा, अ चेंज दिस अ चेंज इनटू अवग्रह और नया शब्द बना खादितो अस्मि। देशः अयम्, विसर्ग के पहले आ, विसर्ग के बाद भी आ, दिस विसर्ग चेंज इनटू ओ मात्रा, आ चेंज इनटू अवग्रह और नया शब्द बना देशोऽयम्। हमारा विसर्ग संधि का दूसरा नियम है, विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या फिर य र ल व ह आए तो विसर्ग ओ मात्रा में बदल जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि व्यंजनों को हमने वर्गों में डिवाइड किया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और हर एक वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर था। तो उन्हीं वर्गों में से यदि आ के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आता है या फिर य ल व ह आता है तो विसर्ग ओ मात्रा में बदल जाता है। उदाहरण के लिए पुत्र मात्रा, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है और माँ जो कि पांचवा अक्षर है उसके आने पर विसर्ग ओ मात्रा में बदल गया। बट यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब विसर्ग ओ मात्रा में बदलेगा तो दूसरा वाला शब्द अलग दिखा जाएगा, उसे आप ज्वाइन नहीं करेंगे। ओ मात्रा के बाद दूसरा शब्द अलग लिखेंगे। दूसरा उदाहरण है त्रय प्लस मत्स्या, दिस अ चेंज आपके पहले विसर्ग के पहले आ है तो विसर्ग चेंज इनटू ओ मात्रा एंड देन मत्स्य रिटर्न सेपरेटली। तीसरे उदाहरण में भी विसर्ग के पहले आ, उसके बाद में ज और विसर्ग चेंज इनटू ओ मात्रा और दूसरा शब्द जनह अलग लिखा। हमारा तीसरा नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद आ के अलावा कोई भी अन्य स्वर अर्थात आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आए तो विसर्ग गायब हो जाएगा अर्थात विसर्ग का लोप हो जाएगा। उदाहरण के लिए दूता प्लस इति, यहाँ विसर्ग के पहले आ है पर विसर्ग के बाद ई मतलब आ के अलावा अन्य स्वर है तो विसर्ग गायब हो गया और हमारा नया शब्द बना दूता इति। विसर्ग के गायब हो जाने के बाद दूसरे शब्द को आप अलग लिखेंगे। दूसरा उदाहरण है भवंतः प्लस एव, विसर्ग के गायब हो जाने पर भवंतः रह गया विसर्ग के बिना और एव उसके बाद लिखा। हमारा चौथा नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद कोई भी स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या फिर य ल व ह आए तो भी विसर्ग गायब
आंसर का लोप हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने आगे वाले नियम में देखा था कि विसर्ग के पहले अ था, पर यहाँ विसर्ग के पहले आ अर्थात दीर्घ आ है, और दीर्घ आ के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग गायब हो जाएगा और दूसरा शब्द अलग लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए मानवा प्लस अपि मानवा अपि, काष्ठखंडा प्लस एव काष्ठखंडा एव। हमारा अगला नियम है सह अथवा एषा के बाद अगर अ के अलावा कोई भी अन्य स्वर आए या व्यंजन आए तो भी विसर्ग गायब हो जाएगा, किंतु यदि सह और एषा के बाद आ आता है तो दिस विसर्ग चेंज इनटू ओ मात्रा एंड अ चेंज इनटू अवर्ण। उदाहरण के लिए सह पठती, सह के बाद प अर्थात व्यंजन आ रहा है तो विसर्ग गायब हो जाएगा, सह पठती, किंतु सह के बाद अगर अ आ रहा है तो दिस विसर्ग चेंज इनटू ओ मात्रा एंड अ चेंज इनटू अवर्ण। सह प्लस अयम सोयम। हमारा अगला उदाहरण है एषा प्लस बालक, एषा के बाद ब अर्थात व्यंजन आ रहा है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और हमारा नया शब्द बनेगा एषा बालक। विसर्ग संधि का अगला नियम है विसर्ग के पहले अ या आ, इन दोनों स्वरों के अलावा अन्य स्वर अर्थात ई ई ऊ री ए ऐ ओ औ, इनमें से कोई भी स्वर हो और बाद में कोई अन्य स्वर, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या फिर यर अलावा हा आए तो विसर्ग आधे र मतलब र के साथ हलन उसमें बदल जाएगा। स्टूडेंट्स, इस नियम को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि विसर्ग र में बदल जाएगा, तो अगर र के बाद मींस विसर्ग के बाद कोई स्वर है तो र पूरा हो जाएगा और उस स्वर की मात्रा र के साथ ऐड हो जाएगी, किंतु अगर र के बाद कोई व्यंजन आता है तो र री मात्रा में परिवर्तित होकर अपने पीछे वाले स्वर शब्द अक्षर के साथ ऐड हो जाएगा। उदाहरण देखें नी प्लस आशा, विसर्ग के पहले ई है और बाद में आ मतलब अन्य स्वर, तो विसर्ग चेंज इनटू र प्लस आ रा, तो नया शब्द बना निराशा। सिमिलरली शत्रुः अपि, विसर्ग के पहले ओ मात्रा है, विसर्ग चेंज इनटू आधा रा प्लस अ इज इक्वल टू र, तो नया शब्द बना शत्रुः रपि। पशु प्लस एव, विसर्ग के पहले उ मात्रा है और बाद में ए है मतलब अन्य स्वर है, विसर्ग चेंज इनटू आधा र और इस ए की मात्रा र के साथ ऐड होगी, तो हमारा नया शब्द बना पशुरेव। यहां तक हमने स्वरों के एग्जांपल देखे, अभी व्यंजन का एग्जांपल देखें तो दुख प्लस जल, विसर्ग के पहले उ है पर बाद में ज मतलब व्यंजन है तो विसर्ग ज के साथ री मात्रा बनकर ऐड हो जाएगा, दुर्जन। सिमिलरली सवितु प्लस वरेण्य, विसर्ग के पहले उ है और बाद में व अर्थात व्यंजन है तो विसर्ग चेंज इनटू आधा र और वो व के साथ जुड़ जाएगा और हमारा नया शब्द बना सवितु र वरेण्य। संधि का एक अन्य नियम है यदि विसर्ग के बाद यच्छा आए तो विसर्ग आधे श में बदल जाएगा, ऐसे ही यदि विसर्ग के बाद त या ठ आए तो विसर्ग आधे श में बदल जाएगा, एंड सिमिलरली विसर्ग के बाद यदि त या थ आए तो विसर्ग आधे स में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए मानवा प्लस च, हमने देखा विसर्ग के बाद च आया है तो हम आगे देखे बिना सीधा विसर्ग को आगे
लिखा जाता है। तो आपने देखा हमारा नया शब्द बना मानवाष्ट। सिमिलरली बालाह प्लस च, विसर्ग के बाद च है, विसर्ग चेंज इनटू आधा श एंड च, बालाष्ट। दूसरा उदाहरण अगर देखें, कर्ण प्लस च, कर्णश्च। अब ता और थ के उदाहरण को देखें तो अतः प्लस तत्र, विसर्ग के बाद त आ रहा है तो विसर्ग चेंज इनटू आधा स, अतः तत्र। ततः प्लस त, विसर्ग के बाद त है, विसर्ग चेंज इनटू आधा स और वो स्त के साथ ज्वाइन हो जाएगा ततस्त। हमारा अन्य उदाहरण है वस्तुतः प्लस तु और विसर्ग चेंज हो गया आधे सा में और नया शब्द बना वस्तु तस्तु। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ विसर्ग संधि। यहाँ पे हमारा संधि व्याकरण का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आई होप दिस वीडियो विल मेक यू अंडरस्टैंड द संधि, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ संधि। थैंक यू।